बिहार के दरभंगा का चर्चित चिकित्सक का दिल किसी राजा और महाराजा से कम नहीं है। अपने प्रेमिका को करीब 2 करोड़ का घर दे दिया। आजकल आसमान से उतरी परियों की चर्चाएं हर जुबान पर है। कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो बुद्धि विवेक सब मर जाता है। ये कहावत आप अक्सर सुनते आए हैं, लेकिन यह कहावत दरभंगा के एक चर्चित डॉक्टर पर सटीक बैठती है, क्योंकि आसमान से उतरी परियों के बीच इनके हटखेली से इन्हीं का घर परिवार बर्बाद हो रहा है। वह दिन दूर नहीं जब कोई बड़ी हादसा हो जाए। इसी का एक छोटा सा रूप था कि घर से 2 गोली चली और कार्रवाई नदारद रहा। यह पूरा मामला बिहार के दरभंगा का है, एक चर्चित डॉक्टर का है। वजह यह भी है, इनके पास अकूत पैसा भी है, तो जाहिर सी बात है कि पैसे की गर्मी उफान तो मारेगी ही, और इसी गर्मी के कारण उक्त चिकित्सक खुद को रोक नहीं पाते। यही कारण है कि पूरे शहर में इनकी चर्चाएं काफी दिनों से जोर शोर से सुनाई दे रही है, लेकिन कोई कुछ बोलने से परहेज कर रहा है। वजह क्या है ये आप भी समझते हैं। आसमान से उतरी परियों के सहारे इनका दिनचर्या शुरू और खत्म होता है, और इसका शिकार डॉक्टर दंपति की पत्नी हो जाती है। कहा और सुना यही जाता है कि डॉक्टर साहब का दिल किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। तभी तो इन्होंने एक कथित प्रेमिका की बेटी को होली क्रॉस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलने के कारण ये इतने क्षुब्ध हो गए कि एक स्कूल खोलने की सोच डाली, और उस पर काम भी चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही उस स्कूल का उद्घाटन भी हो जाएगा, और वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे। डॉक्टर साहब दिल के इतने धनी है, कहा जाता है कि इस प्रेमिका को 2 करोड़ से ऊपर का मकान खरीद कर दे दिया है। यही नहीं, लोग तो यह भी कह रहे हैं कि यह महिला पेशे से एक नर्स है और इनकी पोस्टिंग पटना में है, लेकिन एक भी दिन ड्यूटी करने पटना नहीं जाती है। इनका अस्पताल में काम भी क्या, राज कर रही है। चर्चित डॉक्टर साहब का पैट देखिए कि बिना ड्यूटी पर गए उस नर्स का मासिक वेतन उसके खाते में आ जाता है। यह बात सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस नर्स का जहां पटना में पोस्टिंग है उसका हाजिरी कौन बनाता होगा, ये सोचने वाली बात है। इस कारण सरकार को प्रति माह 1000 रुपए का चूना भी लग रहा है। आखिरकार मोबाइल रिपोर्टर का ये एपिसोड देखते रहिए, और भी कई किस्से हैं, इस पर तो पूरा किताब लिखा जाएगा। अगर इनकी शुरुआती दौर के पन्ने को हम खोला जाए तो पता चलेगा कि कई घोटाले घपले की सीढ़ियों पर चढ़कर आगे बढ़े हैं। दरअसल इनके ऊपर उस विभाग की नजर नहीं पड़ी है जिस विभाग के दायरे में आ रहे हैं। ये डॉक्टर साहब तो बड़े ही कमाल के लोग हैं। इन डॉक्टर साहब का पैट बड़ा मजबूत है, ये कहना कोई अचंभित वाला बात नहीं है। दरभंगा पुलिस तो इनका पिस्टल गोली जब्त किया, लेकिन गोली चलने की बाबत कोई कार्रवाई नहीं की। वजह साफ है कि डॉक्टर साहब की पैंट ऊंची हो गई है, पहले नहीं थी, इस कारण उनके हौसले बुलंद है। इस खबर से जुड़ा अगला वीडियो जल्द आपको मोबाइल रिपोर्टर पर देखना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़िए। अगर ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर इसी खबर को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगले खबर का आप इंतजार कीजिए। अगले एपिसोड फिर इसी डॉक्टर्स के बारे में पूरा जानकारी लेकर आएंगे।